गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या किया था कि जो हमारा टॉपिक था पार्टिकल इन वन पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, उसके जो है तीसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि देखिए हमने पार्ट टू के एंड में क्या किया था कि वेव फंक्शन की वैल्यू कम्प्लीटली क्या की थी, कैलकुलेट की थी। तो वेव फंक्शन हमारा क्या आया था जो है कि साई इन ब्रैकेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साई एक्स एक्स इंटू साई वाई वाई इंटू साई जेड जेड, एंड फाइनली जब नॉर्मलाइज वैल्यू ऑफ साई एक्स एक्स और साई वाई वाई और साई जेड जेड की रख रहे थे तो उसकी साई एक्स एक्स की नॉर्मलाइज्ड जो वैल्यू आ रही थी अंडर रूट टू अपॉन एल एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स और साई वाई वाई की जो वैल्यू प्राप्त हो रही थी वो हो रही थी अंडर रूट टू अपॉन एल वाई साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई और साई जेड जेड की जो वैल्यू प्राप्त हो रही थी वो हो रही थी अंडर रूट टू अपॉन एल जेड साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड। ठीक है, तो अब यदि हम साई एक्स एक्स साई वाई वाई और साई जेड जेड की वैल्यू रखते थे तो जो हमारा फाइनल जो साई एक्स वाई जेड था वो हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन एल एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स इंटू अंडर रूट टू अपॉन एल वाई साइन एन वाई साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई एंड इंटू अंडर रूट टू अपॉन एल जेड साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड। ठीक, फिर ये जो अंडर रूट टू अपॉन एल एक्स है, अंडर रूट टू अपॉन एल वाई है और अंडर रूट टू अपॉन एल जेड है, ये दो दुना चार दुना का आठ यानी अंडर रूट एट, अंडर रूट एट अपॉन एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड आ जाएगा और आ जाएगा साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स इंटू साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई और इंटू साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा साइन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एट एल एक्स एल वाई एल जेड साइन एन एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स फिर साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई और साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड। ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लें कि ये इक्वेशन स्टार है। अब आज की कहानी इसके आगे प्रोसीड होगी। फिर दूसरा जो है हम क्या निकालना है, आइगन वैल्यू या टोटल एनर्जी व्हेन ए पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। अब देखिए जो टोटल एनर्जी है वो हमारा क्या आया था कि जो एनर्जी की जो वैल्यू है कि 2me अपॉन h कट स्क्वायर, 2me अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या माना था k स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। और आपने देखा होगा कि जब हमने कल डेरिवेशन किया था जो kx की जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी nx पाई अपॉन lx, ky की वैल्यू आई थी ny पाई अपॉन ly और kz की वैल्यू आई थी nz पाई अपॉन lz। ठीक है, तो जब हम उसकी वैल्यू जो है उसमें रखते हैं जो है इसमें कि 2me अपॉन h कट स्क्वायर इसको टू kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर में जो है kx ky kz की वैल्यू रखते हैं तो जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू प्राप्त होगी हमको यहाँ से तो क्या होगा h कट स्क्वायर अपॉन 2m h कट स्क्वायर अपॉन 2m nx स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ly स्क्वायर प्लस प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल जेड। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ भी पाई स्क्वायर है, यहाँ भी पाई स्क्वायर है और यहाँ भी पाई स्क्वायर, तो हम पाई स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे। जब पाई स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ये हो गया एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन टू एम, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बच गया एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जो कि हम जानते हैं कि h कट इक्वल टू होता है h अपॉन टू पाई, h कट इक्वल टू क्या होता है h कट अपॉन टू पाई, तो जब यहाँ पे हम h कट की जगह h बाई टू पाई रखेंगे तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी हो जाएगा E बराबर h कट की जगह क्या रखें h बाई टू पाई तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा है h स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो h का स्क्वायर की वैल्यू होगी, 2m है 2m यहाँ पे रहेगा पाई स्क्वायर है पाई स्क्वायर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी है ये भी ये यहाँ पे उतर जाएगी अर्थात nx स्क्वायर अपॉन lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन ly स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन lz स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये पाई स्क्वायर जो है ये पाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए टेन, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए टेन इन ब्रैकेट एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। जो इस चीज को हमने यहाँ पे जो है ये मेंशन किया है कि e की वैल्यू क्या आ जाएगी h स्क्वायर अपॉन a टेन एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको स्टार टू मान लिया है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम इसका मतलब यह है कि जो टोटल एनर्जी है, चूँकि थ्री डायमेंशनल हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो टोटल एनर्जी है वो तीन छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड हो गई, अर्थात ये इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, इस टोटल एनर्जी का एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा एच स्क्वायर अपॉन एट एम एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो होगा h स्क्वायर अपॉन एट एम एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया है। और जो z कंपोनेंट होगा ये होगा एच स्क्वायर अपॉन एट एम एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे जो एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू क्या है प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट, आप देख रहे हैं कि चाहे ई एक्स हो चाहे ई वाई हो चाहे ई जेड हो, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं जो है एन पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ई एक्स एन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ई वाई एन वाई पे डिपेंड कर रहा है और ई जेड जो है वो एन जेड पे डिपेंड कर रहा है, अर्थात एन की वैल्यू में परिवर्तन जब हम करते हैं तो ई एक्स ई वाई ई जेड के मान में भी परिवर्तन होता है, अर्थात जब पार्टिकल थ्री डायमेंशनल बॉक्स में होता है तो भी हमारे जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं डिस्क्रीट होते हैं। यदि एग्जाम में आता है कि व्हेन द पार्टिकल लाइज इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स सो दैट एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, तो हम जो है इस लाइन तक दिखाने के बाद कि जहाँ पे एन एक्स एन वाई एन जेड इसको प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट है, एंड आल्सो बिकॉज ई एक्स ई वाई एंड ई जेड डिपेंड्स अपॉन द एन एक्स एन वाई एंड एन जेड, देन वी हैव प्रूव दैट या देन वी शो दैट एनर्जी लेवल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, अर्थात ई एक्स एन एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल एक्स स्क्वायर ये वैल्यू हो गई कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू एन एक्स स्क्वायर, दैट इज द ई एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो ई वाई है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा एन वाई स्क्वायर के, एंड ऑल्सो ई जेड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जेड स्क्वायर। तो चूंकि ई एक्स ई वाई ई जेड ये एन एक्स स्क्वायर कॉमा एन वाई स्क्वायर कॉमा एन जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू है, अर्थात जो है पार्टिकल व्हेन पार्टिकल लाइज इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स इट्स एनर्जी आर द डिस्क्रीट। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब हेडिंग आती है जो है एनर्जी डीजनरेसी, एनर्जी डीजनरेसी इसका हिंदी होता है ऊर्जा की, इसका हिंदी होता है जो है ऊर्जा की अपभ्रष्टता। क्या होता है यहाँ पे यदि आप हम इसको शो करें यहाँ पे, यदि ये देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा है इसका जो बेसिक डेफिनेशन है कि ऊर्जा की अपभ्रष्टता एनर्जी डीजनरेसी इसका मतलब होता है ऊर्जा की अभ्रष्टता। इसका मतलब क्या है, व्हाट आर द व्हाट इज द या हाउ डू फाइंड द एनर्जी डी जनरेसी, एनर्जी डी जनरेसी का मतलब ये होता है कि आप यदि इक्वेशन स्टार टू को देखें, ये वाला जो इक्वेशन एनर्जी वाला निकालने स्टार टू, तो हमने लिखा है इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन स्टार टू दैट कि ई के किसी निश्चित मान के लिए जो है जो क्योंकि हम ये देखें एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो वही कह रहे हैं कि ई के किसी निश्चित मान के लिए एन एक्स कॉमा एन वाई तथा एन जेड के कई सेट प्राप्त कर सकते हैं, यानी ई के किसी निश्चित मान के लिए एन एक्स एन वाई और एन जेड के कई मान हो सकते हैं, कई सेट हो सकते हैं। तो चूंकि एन एक्स एन वाई जब एन जेड के कई मान होंगे कई सेट होंगे, तो उसके संगत जो तरंग फलन है साई एक्स वाई जेड, आप देख रहे होंगे कि साई एक्स जो है यदि इसको ले लें तो साई एक्स अंडर टू वाई एल एक्स साई एन एक्स वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो चूंकि जब एन एक्स एन वाई एन जेड हमने कहा कि किसी ई के किसी निश्चित मान के लिए ई के किसी निश्चित मान के लिए एन एक्स
एन वाई तथा एन जेड के कई सेट प्राप्त हो सकते हैं। चूंकि एन एक्स एन वाई एन जेड के चेंज होने से हमारा साइज चेंज हो सकता है, अर्थात कि ई के किसी निश्चित मान के लिए चूंकि एन एक्स एन वाई एन जेड के कई सेट प्राप्त हो सकते हैं हैं, और चूंकि जो साइज है हमारा वह एन एक्स एन वाई एन जेड पर डिपेंड करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ई के किसी निश्चित मान के लिए जो तरंग फलन हमारा जो ये है जो साई एक्स वाई जेड इसके कई मान प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को डीजनरेसी बोलते हैं कि यदि एक ही ऊर्जा के संगत हमारे तरंग फलन के सेट बहुत हों तो इसी को हम कहते हैं ये एनर्जी डीजनरेसी है। ठीक है, एनर्जी क्या है? डीजनरेसी है, ऊर्जा अभ्रष्टता है। ठीक, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ अब हम ये कैसे निकालते हैं ये देखिए। अब यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, अब यदि आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ये देखिए कि हमने एनर्जी की जो वैल्यू लिखी थी जो है एनर्जी ई इज इक्वल टू ये हमने लिखा था कि एच स्क्वायर अपॉन 8m, एनर्जी की वैल्यू क्या लिखा था? एच स्क्वायर अपॉन 8m एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर एंड प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिखा था? एनर्जी की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन 8m nx square upon lx square and y square upon ly square and plus nz square upon lz square। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी इफ वी सब्स्टिट्यूट lx इज इक्वल टू ly इज इक्वल टू lz इज इक्वल टू n, यदि सरलता के लिए हम ये मान लें कि lx बराबर एल वाई बराबर एल जेड बराबर एल, हाँ, फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम, हम ये मान लेते हैं वी एज्यूम एल एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू एल जेड इक्वल टू एल, देन तब एवम इक्वेशन बिकम, मतलब ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8m एच स्क्वायर अपॉन 8m। देखिए एल एक्स के जगह भी हम क्या रख दिए? एल रख दिए, एन एल वाई के जगह भी क्या रख दिए? एल रख दिए, और एन जेड की जगह, अरे इसके जगह एल जेड की जगह भी क्या रख दिए? एल रख दिए, तो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम यदि कॉमन कर लें तो हो जाएगा एच स्क्वायर ए एन एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो ई की जो वैल्यू हमारी प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है? एच स्क्वायर अपॉन एट एन एल स्क्वायर इन ब्रैकेट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हम एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, दिस इंप्लाइज एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन एल स्क्वायर एट एन एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, क्या हो जाएगा? एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 8mL² ई अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी जब हम डीजनरेसी निकालते हैं तो हमको इस स्टेज तक डेरिवेशंस में हमको आना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए कि यदि हम इसमें इस फार्मूला में
कि जो nx है, ny है, nz है, हम क्या करते हैं कि यदि हम मान लीजिए जो है nx बराबर ny बराबर nz तीनों की वैल्यू 1 1 1 रखते हैं, तीनों की वैल्यू क्या रखते हैं, nx की वैल्यू भी 1 रखते हैं, ny की वैल्यू भी 1 रखते हैं और nz की वैल्यू भी 1 रखते हैं। तो बेसिकली ये जो एनर्जी हमारी है इसको हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि यदि हम इसको यहाँ पे देखें सफिक्स में लिख दें कि E सफिक्स में क्या लिख दें जो है ऐसे करके कि ये nx पे डिपेंड कर रहा है, ny पे डिपेंड कर रहा है और nz पे डिपेंड कर रहा है। यदि आप शो करें ऐसे करके तो ये एनर्जी जो है nx, ny और nz ये इससे डिपेंड कर रहा है। तो यदि हम nx की वैल्यू 1, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू यदि हम 1 रखें, हाँ इसकी वैल्यू क्या रखें 1 रखें, तो हमको जो एनर्जी जो प्राप्त होगी है, तो हमको जो एनर्जी प्राप्त होगी इसी में देख लीजिए कि यदि इस ई को, यदि इस ई को हम सफिक्स में यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं nx कॉमा ny कॉमा nz ऐसे करके nx कॉमा ny कॉमा nz या सिंपल nx ny nz एंड वी सब्स्टिट्यूट nx बराबर ny बराबर nz इक्वल टू 1, तो ये जो एनर्जी हमको प्राप्त होगा ई, ये हमको जो एनर्जी प्राप्त होगा होगा E11, ठीक है, और इसके संगत हम तरंग फलन जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यदि हम अब यहाँ पे इस लेसन के बाद यदि हम इसमें मान लीजिए ये जो एनर्जी हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, इसको हम समझाने के लिए और वेट करें, इसको हमने लिख लिया E किस पे डिपेंड कर रहा है nx पे, ny पे और nz पे, कॉमा लगाइए चाहे ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग nx बराबर ny बराबर nz इक्वल टू 1, पुटिंग nx बराबर ny बराबर nz इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, तो हमको क्या मिल जाएगा E111 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर, और nx की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर, ny की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर और nz की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी हो जाएगा 3। तो यानी हमको E11 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी 3h² upon 8m l² क्या होगी 3h² upon 8m l² इसको हम h कट के भी फॉर्म में जो है लिख सकते हैं कि यदि हम क्योंकि हम जानते हैं कि h cut इज इक्वल टू क्या होता है h upon 2π, h cut इज इक्वल टू क्या होता है h upon 2π, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा 2π h cut, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π h cut। तो अब इसमें जो E11 इज इक्वल टू 3h² upon 8m l² है, यहाँ पे h के जगह यदि हम 2π h cut रखें तो हमको E11 क्या मिलेगा E111 इज इक्वल टू 3h² मतलब 2π h cut मतलब 4π² h cut² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8m l² ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 दैट इज E11 इज इक्वल टू 3π² h cut² अपॉन 2m l² तो हम E11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3π² h cut² अपॉन 2m l² तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने हम एनर्जी डिजनरेसी की बात अभी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्या करें कि जो nx की वैल्यू जब 1 है, ny 1 है, nz है, तो हम E11 हमने इतना प्राप्त किया। अब इसी पे जब nx 1 है, ny 1 है, nz 1 है तो हम इसी पे वेव फंक्शन थोड़ा सा यदि कैलकुलेट कर लें तो देखिए वेव फंक्शन हमारा कितना है। अब यही जो साई एक्स वाई जेड जो हमने यहाँ पे ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे साई ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे साई एक्स वाई जेड स्क्वायर को ये लिखा है इसका मतलब वही है साई एनएक्स कॉमा साई एन वाई कॉमा साई एन जेड ये भी है कि एनएक्स एन वाई एन जेड पर डिपेंड करता है। अब इसमें भी हम एनएक्स की वैल्यू 1, एन वाई की वैल्यू 1 और एन जेड की वैल्यू 1 रखें और साथ साथ
उस कंडीशन को फॉलो करें कि Lx बराबर Ly बराबर Lz, Lx बराबर Ly बराबर Lz इक्वल टू L, ठीक है। तो एनर्जी हमारी क्या हो गई, E11 इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। और अब यदि हम इसी पे हम वेव फंक्शन निकालें, ये भी समझिए कि साई Nx Ny Nz ये सफिक्स में है, तो ये हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं साई 111, क्योंकि हम यहाँ पे Nx की वैल्यू 1 रखे, Ny की वैल्यू 1 रखे, Nz की वैल्यू 1 रखे, ठीक। और अब इसमें क्या रख रहे हैं, Lx बराबर Ly बराबर Lz बराबर L, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 L L L, यानी ये हो जाएगा L क्यूब, क्या हो जाएगा L क्यूब, और ये हो जाएगा साइन Nx बराबर Ny बराबर Nz इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा पाई x अपॉन L साइन पाई साइन पाई y अपॉन L एंड साइन पाई z अपॉन L, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई x अपॉन L साइन पाई y बाई L और साइन पाई पाई z अपॉन L, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम ये देख रहे हैं कि जो ये मूल ऊर्जा स्तर, यानी जब Nx की वैल्यू 1 एन वाई की वैल्यू 1 और एन जेड की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूल ऊर्जा स्तर। तो जो मूल ऊर्जा स्तर है, जिसकी वैल्यू मूल ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा की जो वैल्यू है 3 पाई स्क्वायर स्क्वायर पॉइंट 2 ml का, मूल ऊर्जा स्तर के संगत हमको जो है जो वेव फंक्शन जो प्राप्त हो रहा है हमको एक ही प्राप्त हो रहा है, मतलब साई 1 इक्वल टू दिस 1, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मूल ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, जैसे एनर्जी डीजनरेसी की बात करें तो मूल ऊर्जा जो स्तर होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन डीजनरेट होता है, ठीक है। मूल ऊर्जा स्तर क्या होता है, वो नॉन डीजनरेट होता है, ठीक। इसी प्रकार से हम अन्य ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो है अब जैसे यदि हम ये कर ये वैल्यू यदि ट्रेस करते हैं, ये देखिए तो E11 के संगत जो है जो हमारा नॉन, यदि हम यहाँ पे कीजिए कि ये हमने क्या किया, एक या इसे ऐसे आप निकालिए साई 11 की जो वैल्यू है ये हमने ये निकाल ली, अब या इसके संगत जो एनर्जी वैल्यू है इसके संगत जो एनर्जी वैल्यू है वो E11 उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके बाद यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे E112, E121, E121, ठीक है। और तीसरा जो है E211, ठीक है, E112, E121 और E211। तो इसकी जो इसके संगत जो हमारा तरंग फलन है, इसके संगत जो अब E112 के संगत जो तरंग फलन होगा हमारा जो है वो Psi12 होगा। इसके संगत जो तरंग फलन होगा हमारा वो क्या होगा, Psi12। इसके संगत जो तरंग फलन होगा हमारा क्या होगा, Psi121। और इसके संगत जो तरंग फलन होगा वो हमारा क्या होगा, Psi21, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, हमने बताया था कि यदि एक ही ऊर्जा के संगत डीजनरेसी की हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बताया कि जो फंडामेंटल जो मूल ऊर्जा स्तर होता है वो नॉन डीजनरेट होता है, क्योंकि एक ही ऊर्जा स्तर के संगत एक ही तरंग फलन हमको Psi11 प्राप्त हुआ। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं कि एक ही ऊर्जा के संगत, मतलब E112 की वैल्यू वही होगी जो E121 की वैल्यू है और E21 की वैल्यू है, यानी एक ही ऊर्जा के संगत हमको 3 वेव फंक्शंस होंगे। तो ये बताया कि यदि एक ही ऊर्जा के संगत यदि विभिन्न आइगन फंक्शन प्राप्त होते हैं तो इसको हम डीजनरेसी कहते हैं, जो ठीक है। तो कैसे हम ये देखते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं कैसे E112 और E21 की ऊर्जा सेम है। थोड़ा सा चेक करिए कि अभी हमने जो एनर्जी की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी जो है वो क्या की थी, कि जो एनर्जी है ये शायद हमारा था कि h स्क्वायर अपॉन 8 m l स्क्वायर, जब Lx बराबर Ly बराबर Lz करते थे तो ये होता था Lx स्क्वायर
प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पर एच लाइक दैट। ठीक है, e की जो वैल्यू आपको प्राप्त होती थी वो एच स्क्वायर अपॉन एट एम स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। इस e का सेंस हमने फिर बता रहे हैं कि एन एक्स एन वाई और एन जेड, एन एक्स एन वाई एन जेड ये एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालें। देखिए एन एक्स का ये एन एक्स है, ये एन वाई है, ये एन जेड है। तो यदि एन एक्स की वैल्यू जो है हम रखते हैं वन, इसकी वैल्यू निकालें, और एन वाई की वैल्यू रखते हैं वन, और एन जेड की वैल्यू रखते हैं टू। ठीक है, तो ये जो इससे निकलेगी ये क्या निकलेगी, वन वन टू। तो वन वन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस ये भी वन का स्क्वायर वन प्लस एन जेड जीरो टू है, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर। तो चार दो छः, यानी हो जाएगा ये सिक्स एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सिक्स एच स्क्वायर, सिक्स एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। फिर यदि हम ये वैल्यू होगी सिक्स एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। अब यदि हम इसमें जो है फिर वही रखते हैं कि एच कट इज इक्वल टू, फिर हम इसमें रखते हैं कि एच कट इज इक्वल टू, क्योंकि एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन टू पाई। तो एच बराबर हो जाएगा टू पाई एच कट, टू पाई एच कट। तो एच से जगह यदि हम टू पाई एच कट रखें तो ई वन वन टू की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी सिक्स एच स्क्वायर, मतलब फोर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। चार गुना का क्या हो जाएगा आठ, यानी हमको जो है साफ सुथरा ई वन वन टू की जो वैल्यू प्राप्त होगी हो जाएगी सिक्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। क्या हो जाएगी, सिक्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी, ई वन वन टू की वैल्यू थी। इसी प्रकार से यदि हम ई वन टू वन निकालें, ई वन टू वन निकालें तो देखिए वही जाएगा कि क्या था हमारा एच स्क्वायर अपॉन ए एम एल स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन उसी फार्मूला रखें एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एन एक्स की वैल्यू क्या रखें, वन रखें, फिर एन वाई दो है तो फोर, ठीक है, और ये प्लस वन, ये भी क्या हो जाएगा सिक्स। तो ये भी देखिए वही वैल्यू आएगी हमारी जो है, वहां पर देखिए वन वन टू है तो यहाँ पे एक का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ भी टू है। यानी अब यदि हम ई वन टू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सिक्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। और सिमिलरली जब हम ये वैल्यू निकालेंगे ई टू वन तो इसकी वैल्यू भी जो है सिक्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर होता है। यही डीजेनरेसी है, यही चीज़ हमने बताया कि यदि एक ही ई के किसी निश्चित मान के लिए, एक ही या किसी ई के किसी निश्चित मान के लिए यदि तरंग फलन या जो वेव फंक्शन है वो अलग अलग आता है तो इसी को एनर्जी डीजेनरेसी कहते हैं। लेकिन ऐसा फंडामेंटल वाले में नहीं होता, मूल ऊर्जा स्तर में देख रहे थे कि एक ही ऊर्जा के संगत एक ही तरंग फलन थे, अर्थात जो मूल ऊर्जा स्तर होता है वो नॉन डीजेनरेट होता है। ठीक है, और जो प्रथम जो एक्साइटेड स्टेट होता है, जो प्रथम एक्साइटेड स्टेट होता है वो डीजेनरेट होता है। अब कितने वेव फंक्शन प्राप्त हुआ, देखिए ई वन वन टू के संगत एक तरंग फलन प्राप्त हुआ साई वन टू, दूसरा हुआ जो है साई वन टू वन, और तीसरा साई टू वन। यानी जो प्रथम ऊर्जा स्तर है वो त्रिस्तरीय जो है एनर्जी डीजेनरेसी है, त्रिस्तरीय ऊर्जा स्तर। अब इसके बाद या जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ वो जो है ये डीजेनरेसी रखता है। इसी प्रकार से हम अदर एनर्जी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम अभी तक जो टॉपिक में डिस्कस किए कि जो टोटल वेव फंक्शंस का एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, और डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम श्रोडिंगर इक्वेशंस के हैं इसके बाद हम श्रोडिंगर इक्वेशंस के जो है नेक्स्ट एप्लीकेशंस पे आएंगे और उसको जो है
परहैप्स जो हमारे जितने भी जो इनफाइनाइट वाले एक बाकी हो गया, एक बाकी हुआ होगा कि इसमें डेफ्थ वाले में, स्क्वायर डेफ्थ वाले में, तो उसको हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।